हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष राठौर, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक और बहुत बढ़िया वीडियो ले आया हूँ आपके लिए। आज की वीडियो होने वाली पेंटोग्राफ के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट है, दो पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है। पेंटोग्राफ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर यूट्यूब पे अगर आप सर्च भी करोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी रेलवे से रिलेटेड। अगर आप सर्च करोगे और यूट्यूब पे सर्च करेंगे भी आप, तो उसमें इतना बेसिकली नहीं समझाया गया होगा प्रिंसिपल की किस तरीके से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, इन्हीं कारणों को देखते हुए मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करी है ये वाली। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। दोस्तों, अगर आप एक रेल फैन हैं या एक रेल फैन नहीं भी हैं फिर भी रेलवे में सफ़र करते हैं, तो हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी जरूर रहती है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लेकर, कि आखिर ये ट्रेन कैसी चलती है, आखिर लोकोमोटिव कैसे खींचते हैं ट्रेन को, क्या क्या पीछे इसकी साइंस होती है, कितनी कितनी चीज़ें ऐसी ऐसी होती है रेलवे में कि जिन चीज़ों को हम देख करके बस यही सोच पाते हैं कि आखिर ये क्यों है और यहाँ पर ये क्यों लगा है। तो उन्हीं सब चीज़ों में से एक चीज़ है जिसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखते हैं, देखते हैं कि आखिर ये है क्या और किस तरीके से वर्क करता है, वो है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ आपको लोकोमोटिव के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं, EMU, MEMU जैसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जैसी ट्रेनों के ऊपर दिख जाएगा, और आने वाली ट्रेन 18 के ऊपर भी आपको इतने सारे कम से कम 8 पेंटोग्राफ देखने को मिल सकते हैं, और हमारी मेट्रो ट्रेन में भी पेंटोग्राफ होते हैं। तो आखिर ये पेंटोग्राफ होते क्या हैं, किस तरीके से रेज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या मटेरियल में यूज़ होता है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा मेरी इन वीडियोज़ में। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। इंडियन रेलवे में जो बेसिकली टाइप है पेंटोग्राफ का, वो यूज़ होता है AM12। ये जो मॉडल है पेंटोग्राफ का, ये बेसिकली सभी लोकोमोटिव्स जैसे कि वैग 9, वैग 7, वैग 5, WM4, WKM1, WCM2, WCM3 और वैब सीरीज के लोकोमोटिव में भी यूज़ होता है। तो इस मॉडल की जो लंबाई चौड़ाई, जो भी डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं, वो सब के सब हर लोकोमोटिव में सेम होते हैं, क्योंकि ये मॉडल ही ज़्यादातर यूज़ होता है इंडियन रेलवे में। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस मॉडल की। इसका जो वेट होता है वो 235 किलोग्राम तक इसका वेट होता है, और मैक्सिमम OHE की जो वोल्टेज ये झेल सकता है वो होती है 27.5 वोल्ट, जो कि 25 kV होती है, और मैक्सिमम 27.5 तक ये झेल सकता है, और शॉर्ट टाइम के लिए 30 kV भी झेल सकता है, अगर कुछ टाइम के लिए वोल्टेज इंक्रीज भी हो जाए तो 10 सेकेंड तक के लिए ये झेल सकता है 30 kV। और इसका जो रेटेड एम्पियर होता है वो होता है 400 एम्पियर, 400 एम्पियर तक ये आराम से झेल सकता है और उस पर ये वर्क करता है। और दोस्तों, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इसके असेंबली को बनाने के लिए, वो होता है हाई टेंसाइल अलॉय स्टील, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और ये अलॉय स्टील का बना होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और पेंटोग्राफ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन इसी को झेलना पड़ते हैं हाई स्पीड के वक्त। और इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर हम देने जाए पेंटोग्राफ की, तो इट वर्क एज अ कलेक्टर विच कलेक्ट द पावर फ्रॉम द OHE अंडर द स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही कंडीशन में ये पावर कलेक्टर का काम करता है। चलिए अब डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे किस तरीके से इसकी असेंबली बनाई गई है और क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले आप इस पिक को देख पा रहे होंगे, इस पिक में आपको बहुत ही जाना पहचाना असेंबली दिख रहा होगा, जो कि सबसे ऊपर दिखता है आपको रेलवे लोकोमोटिव के ऊपर। तो इसमें सबसे ऊपर की असेंबली जो कलेक्टर का काम करती होती है पेंटोपेन, जिसमें विद मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप लगी होती है, और अपर आर्टिकुलर असेंबली होती है, और उसके बाद फिर पेंटो हॉर्न होता है, फिर प्लगर बॉक्स असेंबली होती है, अपर आर्टिकुलर आर्म एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होता है, फिर स्टेडी ट्यूब होता है, और ये सब तरीके की असेंबली आपको सबसे ऊपर जो दिखती है। ये सब चीज़ें आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। बेस फ्रेम, सर्वो मोटर, मैकेनिज्म असेंबली, लोअर आर्म असेंबली, मिडल आर्टिकुलर असेंबली एंड लोअर आर्टिकुलर असेंबली, बेस इंसुलेटर एंड मेन स्प्रिंग, ये सब किस तरीके से, इनकी डेफिनेशन में मैं आपको आगे बताऊंगा इस तरीके से लगे होते हैं और क्यों इनको लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बेस बना होता है, वो बेस की पूरी असेंबली टिकी होती है चार चीज़ों के ऊपर, वो चार इंसुलेटर होते हैं,
चार इंसुलेटर आपको पता है किस लिए लगे होंगे, क्योंकि पेंटोग्राफ में वेरी हैवी करंट फ्लो करता है, जिस वजह से इसको लोको बॉडी से बचाने के लिए इस करंट को इंसुलेटर के जरिए रोका जाता है, तो इंसुलेटर इसलिए लगाए जाते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ये इंसुलेटर। अगली चीज है लोअर आर्म एंड पुश रॉड। लोअर आर्म सबसे ज़्यादा हैवी जो रॉड होती है पेंटोग्राफ के अंदर, वो जो पूरी पेंटोग्राफ को संभाले रखती है, और उसके बाद पुश रॉड वो रॉड होती है जो कि कनेक्टेड होती है उस असेंबली से जो कि प्रेशर के जरिए इस पेंटोग्राफ को रेज करती है, और ये रॉड इसलिए पुश रॉड कही जाती है। उसके बाद अगला है बैलेंसिंग बीम, स्प्रिंग और स्प्रिंग असेंबली। दोस्तों जो स्प्रिंग असेंबली होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेंबली होती है पूरी लोकोमोटिव में, क्योंकि लोकोमोटिव का जो वर्क होता है वो कंटिन्यूसली पावर कलेक्ट करना होता है, अगर थोड़ा भी कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे स्पार्किंग भी होती है और पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। तो इस पूरे के पूरे वाइब्रेशंस को रोकने के लिए, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें स्प्रिंग लगाए जाते हैं। तो ये पूरी स्प्रिंग असेंबली यहाँ पे लगाई जाती है, जिसमें एडिशनल स्प्रिंग कैचर और स्प्रिंग कैचर एंड स्प्रिंग एंड बैलेंसिंग बीम ये सब यूज़ किए जाते हैं। और ये बेसिकली काम क्या करते हैं कि 7 किलोग्राम का जो मैक्सिमम फोर्स चाहिए होता है इस लोको, इसमें जो पेंटोग्राफ का कॉन्टैक्ट बना रहे ओएची से, उसके लिए 7 किलोग्राम का फोर्स चाहिए होता है, जिसको बैलेंस करने का काम ये स्प्रिंग करते हैं। और इसके आगे फिर हम देख रहे हैं कि योक असेंबली क्या करती है। योक असेंबली कनेक्ट करती है मेन स्प्रिंग असेंबली को लोअर आर्म ऑफ द लोअर आर्टिकुलर असेंबली से, और दिस योक असेंबली एंश्योर द यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर और अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ पेंटोग्राफ पैन एट डिफरेंट वर्किंग हाइट। तो डिफरेंट हाइट पर होते हैं हमारे ओएची के जो वायर होते हैं, आपको पता होगा कभी भी सेम हाइट पर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो भी सेम नहीं होती है, सपाट नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर नीचे अपवर्ड मोशन होता रहता है उसको संभालने के लिए ये योक असेंबली लगी होती है। और दोस्तों आगे है सेंटर प्लेट असेंबली, ये आपके स्प्रिंग से रिलेटेड असेंबली है, और इसके आगे है रबराइज्ड थ्रस्ट ब्लॉक। ये छोटे से ब्लॉक लगे होते हैं जिसपे जब पेंटोग्राफ डाउन होता है तो रेस्ट कर सकती है उसकी जो आर्टिकुलर असेंबली है, और ये रबर के छोटे छोटे ब्लॉक लगे रहते हैं। उसके बाद सेंटर पेडेस्टल असेंबली, ये वही असेंबली है जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है और जिससे पुश रॉड कनेक्टेड होता है, जब रेज होता है ना तो इस वक्त ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेडेस्टल असेंबली जो होता है। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट असेंबली, स्टेडी ट्यूब असेंबली। ये आपकी वही अपर असेंबली में लगा होता है स्टेडी लिंक एंड स्टेडी ट्यूब असेंबली, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है आखिरकार इस पेंटोग्राफ की अपर असेंबली को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट द मिस्ट्री, सर्वो मोटर असेंबली। आखिर ये है क्या, क्योंकि क्या इसमें इलेक्ट्रिक वर्क है, क्या इसमें मैकेनिकल वर्क है या नहीं, हमेशा डाउट रहता है बहुत से लोगों को, मुझे भी था और मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आई। आखिर मैं भी पहले यही सोचता था कि इसमें आखिरकार वर्क टोटली इलेक्ट्रिक है या मैकेनिकल। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे अगले वीडियो में, लेकिन आज इसका बताऊंगा जरूर। दिस इज न्यूमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म विच इज कंसिस्ट द फॉलोइंग, एयर मोटर, सर्वो मोटर विच इज माउंटेड ऑन द रूफ एंड इंसुलेटेड फ्रॉम द लाइव पार्ट, क्योंकि इसमें इंसुलेटर भी लगाया गया है, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का कंट्रोल रोड इंसुलेटर, और सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर कहेंगे तो शायद इसमें इलेक्ट्रिकल भी वर्क हो सकता है, और अगर एयर मोटर कहेंगे तो पूरी तरह से मैकेनिकल वर्क हो सकता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा ये चीज़ अगली वीडियो में। और द न्यूमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म लोअर द पेंटोग्राफ एंड ऑल्सो अलाउ इट इज राइज द करंट कलेक्शन बाय एस्केप एंड एडमिट एयर टू द सर्वो मोटर थ्रू द थ्रॉटल वाल्व। तो ये अलाउ करता है कि किस तरीके से रेज होगा, किस तरीके से डाउन होगा आपका पेंटोग्राफ, और जो कलेक्शन है वो कंटिन्यूसली बना रहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली 5.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है वो बना रहा है, जिससे कि पेंटोग्राफ रेज रहे। और आपको बता दूं कि 3.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रेशर अगर इससे डाउन आता है ना, इस वैल्यू से, तब आपका पेंटोग्राफ डाउन हो जाता है और 5.5 पर आपका बना रहता है अपनी जगह पे। और अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेंटोग्राफ इज मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप्स, जहाँ पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट होता है, बिल्कुल उस कॉन्टैक्ट पे कौन सा मटेरियल यूज होता है, कैसे वो बो होता है, बो शेप में जो होता है ना आपका, वो होता है माउंटेड कार्बन स्ट्रिप होती हैं, सिंगल पीस मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो कि 3 पीसेस को कलेक्ट करने के बाद बनाई जाती है। और मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप इज अ करंट कलेक्टर विच इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द पेंटो, इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 20-30% कॉपर एंड
10% अदर मटेरियल। कॉपर इसलिए क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है। और कार्बन क्यों? कार्बन इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि आपका कार्बन ब्रशेस में भी यूज होता है। मोटर जो होती है आपकी डीसी मोटर होती है उसमें ब्रश होते हैं ना, पक्का आपने देखे होंगे वो। तो ये ब्रश क्यों लगाए जाते हैं? ताकि स्पार्किंग कम हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही कि हमें स्पार्किंग कम करना है और कलेक्ट भी करंट करना है। तो कॉपर यूज करा करंट कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ पाए। और कार्बन वहां पर इसलिए है क्योंकि वो कंडक्टिविटी तो उसके अंदर भी है बट इतनी नहीं है, और वहां पर मेनली उसका वर्क स्पार्क को कम करना है। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी जो होती है वो 1050 mm एंड हैविंग द फ्लैट जोन ऑफ, जो फ्लैट जोन होता है उसकी ओनली होती है 520 mm इन द मिडल लैंड। सो फ्रेंड्स, कुछ ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे जो कि आप शायद नहीं देख पाते थे, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कोई भी डाउट है भेजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, मेरी गलतियाँ भी निकालिए, इससे मेरा ही इम्प्रूवमेंट होगा। और आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।